नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में जो नई हुंडई क्रेटा है BS6 स्टैंडर्ड उसके मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में पेट्रोल के साथ साथ डीजल वेरिएंट के मेंटेनेंस के बारे में बात करी जाएगी। दोस्तों जो भी पॉइंट मैं यहां आपको बता रहा हूं वो आइडियल कंडीशन में है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें, नहीं तो जो इन्फॉर्मेशन है वो आधी अधूरी रह जाएगी। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजन ऑयल के बारे में। इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर को हर 10,000 किलोमीटर चेंज करवा देना है, चाहे वो डीजल हो या पेट्रोल वेरिएंट हो। यहाँ पे जो इंजन ऑयल ग्रेड यूज़ होगा वह है 0W20, ऐसे कंपनी रिकमेंड करती है। और जो पुरानी क्रेटा आती थी वहाँ पर 5W30 इंजन ऑयल ग्रेड यूज़ किया जाता था। अब बात करेंगे एयर फिल्टर के बारे में। पेट्रोल वेरिएंट 1.4 लीटर और डीजल वेरिएंट 1.5 लीटर में एयर फिल्टर को 20,000 किलोमीटर या 2 साल पूरा होने पर रिप्लेस करवा देना चाहिए। वहीं पेट्रोल वेरिएंट 1.5 लीटर में इसको 30,000 किलोमीटर या 3 साल पूरा होने पर रिप्लेस करवा देना चाहिए और हर सर्विसिंग में एयर फिल्टर को क्लीन करवाना चाहिए, ऐसा कंपनी रिकमेंड करती है। अब बात करते हैं ड्राइव बेल्ट के बारे में। ड्राइव बेल्ट को हर 3 साल या 30,000 किलोमीटर पूरा होने पर इंस्पेक्शन करवाना चाहिए कि इसकी कंडीशन ओके है कि नहीं है। अगर ओके नहीं है तो इसको रिप्लेस करवाएं। स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन में यूज़ होता है, तो जो 1.4 लीटर इंजन है उसमें हर 70,000 किलोमीटर के बाद इसको रिप्लेस करवाना है। वहीं 1.5 लीटर इंजन में 1,60,000 किलोमीटर के बाद इसको रिप्लेस करवाना है। ब्रेक फ्लूइड, ब्रेक फ्लूइड के लेवल को हर सर्विसिंग में चेक करवाना है, अगर कम है तो इसको टॉप अप करें। 45,000 किलोमीटर या 3 साल पूरा होने पर इसको रिप्लेस करवा देना है और इसमें .4 ग्रेड का ब्रेक फ्लूइड यूज होगा। अब बात करेंगे इंजन कूलेंट के बारे में। इंजन कूलेंट को 1,00,000 किलोमीटर या 5 साल पूरा होने पर रिप्लेस करवा देना है। रिप्लेस करवाने के बाद फिर हर 40,000 किलोमीटर या 2 साल पूरा होने पर रिप्लेस करवाते रहना है। वॉल्व क्लियरेंस, वॉल्व क्लियरेंस 90,000 किलोमीटर या 9 साल पूरा होने पर इसका इंस्पेक्शन करवाना चाहिए। अब बात करेंगे बैटरी के बारे में। बैटरी की कंडीशन हर सर्विसिंग में चेक करवानी चाहिए और अगर एसिड का लेवल कम हो गया है तो इसको टॉप अप करवाना चाहिए। दोस्तों अब बात करेंगे ट्रांसमिशन फ्लूइड के बारे में। जिस वेरिएंट में मैनुअल ट्रांजेक्शन फ्लूइड या ड्यूल क्लच ट्रांजेक्शन फ्लूइड यूज़ किया गया है उसको 6 साल या 60,000 किलोमीटर पूरा होने पर इंस्पेक्शन करवाना चाहिए और जो ऑटोमेटिक या वेरिएबल ट्रांसमिशन फ्लूइड है उसको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। एसी फिल्टर, एसी फिल्टर को 20,000 किलोमीटर या 2 साल पूरा होने पर रिप्लेस करवा देना चाहिए और हर सर्विसिंग में इसको क्लीन करना चाहिए, ऐसा कंपनी रिकमेंड करती है। फ्यूल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर पेट्रोल वेरिएंट में 50,000 किलोमीटर या 5 साल पूरा होने पर इसको रिप्लेस करवा देना चाहिए। वहीं डीजल वेरिएंट में इसको हर सर्विसिंग में इसकी कंडीशन चेक करवानी चाहिए, अगर कंडीशन ओके नहीं है तो इसको रिप्लेस करवा देना चाहिए। और दोस्तों अगर फ्यूल टैंक में एयर फिल्टर लगा हुआ है, ये खास तौर पर डीजल वेरिएंट में आता है, तो इसको 20,000 किलोमीटर या 2 साल पूरा होने पर रिप्लेस करवा देना चाहिए। फ्रंट और रियर सस्पेंशन के जो बॉल जॉइंट या लिंकेज है उनको हर सर्विसिंग में एक बार इंस्पेक्शन करवाना चाहिए। वहीं बात करें ब्रेक की, तो ब्रेक को भी हर सर्विसिंग पर उसका इंस्पेक्शन करवाना चाहिए। अगर ब्रेक पैड या ब्रेक शूज़ घिस चुके हैं तो इसको रिप्लेस करवाना चाहिए। दोस्तों अब बात करेंगे सीवियर कंडीशन के बारे में। सीवियर कंडीशन होती क्या है? अगर व्हीकल डस्टी एनवायरनमेंट में, हैवी ट्रैफिक में या माउंटेन एरिया में, या कहें एज ए कमर्शियल व्हीकल काफ़ी लंबे समय तक यूज़ होता है, तो ये सारी कंडीशन सीवियर कंडीशन कहलाती हैं। तो इसमें जो टाइम इंटरवल होता है वो कम हो जाता है, जैसे इंजन ऑयल जो ऑयल फिल्टर है वो 5,000 से 7,000 किलोमीटर पर चेंज करवाना पड़ सकता है। बात करें एयर फिल्टर की, स्पार्क प्लग की या एसी फिल्टर की, या आपको बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करवाने पड़ सकते हैं।
और जो ट्रांसमिशन फ्लूड है, चाहे वो मैनुअल हो या ऑटोमेटिक हो, इसको 1 लाख किलोमीटर या 1,20,000 किलोमीटर पर चेंज करवाना पड़ सकता है। और जो ब्रेक है, सस्पेंशन है, उनका इंस्पेक्शन बहुत फ्रिक्वेंटली करवाना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके साथ साथ जो इंजन ऑयल है, ब्रेक फ्लूइड है या कूलेंट है, इनका लेवल महीने में एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए। और जो टायर का प्रेशर है वो भी आप हमेशा मेंटेन रखें, क्योंकि अगर वो कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा तो इससे जो टायर की लाइफ है उस पर अफेक्ट कर पड़ेगा, और साथ के साथ जो माइलेज है वो भी आपका कम हो सकता है। दोस्तों, ये था नई क्रेटा के मेंटेनेंस के बारे में। अगर आप किसी दूसरे व्हीकल के मेंटेनेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम मेंशन कर सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूँगा, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।